थोड़ा पीछे। चार दिन तक तो मैंने लगातार आरती की है, उसकी चार दिन तक तो भेदभाव उत्पन्न नहीं हुई। उसके बाद जैसे कि नवे के दिन शाम को आरती के टाइम भेदभाव हुई, तो मैं वहां से उठ के आ गया कि राहुल सरपंच वहां भी आया, मैंने देखा है कि हाँ, उसने देखा कि कल देखूंगा तेरे को। जाति पाति का भेदभाव उत्पन्न करके उन्होंने मेरे पता नहीं कि मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ धोखा करेंगे या मेरे साथ लड़ाई करेंगे। ये मेरे को मालूम नहीं था कि ऐसा होगा मेरे साथ। मैं दुकान से घर जा रहा था, तो मेरे को अचानक रास्ते में रोककर लाल चंद और राहुल शर्मा, मेन राहुल, उसने मेरे से और लाल चंद के पकड़ा के धोखे से मारपीट करवाई, नपके करवाई। काय की मारी आपके? लाठी की मारी, दारियों की मारी, सबकी मारी है, कुल मिला के अंदर ही घाव है मेरे। किस किस ने मारा? राहुल शर्मा और लालचंद लोरा। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया? थाने में गए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने, और वहां पे मेरे को ये पता नहीं, मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, और ये अभी तक उसका कोई मेरे को पता नहीं है कि कैसे हुई, मुलजिम कैसे गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ, मेरे को अभी तक भी मालूम नहीं है। मैं चल ही रहा हूँ, भाग दौड़ कर रहा हूँ, कुछ नतीजा नाम जीरो निकल रहा है। तुम्हारा तो बहुत ज्यादा खून पड़ा था, किसने मारे आपके घटों के? मेरे राहुल सरपंच ने लकड़ी की मारी, जिसे इन्होंने फोन किया मेरे पास, इसके पास किया तो हम आए, ये थोड़ा दुकान पर रुक गया। मैं आया तो मैंने कहा मत मारो, तो जान से मार दोगे क्या? तो उन्होंने कहा अरे बहन चमारे तेरे औकात क्या है, तुम बोल क्यों रहा है? तो बगल में लकड़ी लगी तो राउंड सब लकड़ी की मेरे बहुत जोर से मारे थे फोन पर। तो अभी तक फिर मैं फेमस हो गया, मेरे कोई पता नहीं अभी। राहुल शर्मा को क्या अभी तक गिरफ्तार किया है या नहीं किया? अभी नहीं किया उसको, उसके कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है अभी। क्यों नहीं कर रहा? उसके आगे तक पहुंचे या हमारे गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अबे भगाने की ओर बोल रहे हैं, भगाने की बोल रहे हैं। कौन बोल रहा? धमकियां और धमकियां दे रहे हैं राहुल सर पे। क्या कह रहा? कि यार इस गांव में नहीं रहने देंगे। तो आप धमकी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा सकते हो? कब करवाओगे? करवा देंगे। कब दी थी धमकी? कब दी थी राहुल? चार पाँच छह दिन हो गया करें। अच्छा।